हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर। लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे डिसिप्लिन जो है, टीचर और डिसिप्लिन दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, दोनों का आपसे क्या रिलेशन बनता है और एजुकेशन के लिए कैसे दोनों परस्पर काम करते हैं, इस पर मैंने बात की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है लर्निंग की, ये इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली ये इस बात की नॉलेज हो सके, जितना मैं आपको बता सकता हूँ उसके हिसाब से, कि आप जो है नॉट ओनली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बल्कि आप डेली टू डेली जब आप डे टू डे लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफ़ी फ्रूटफुल आपको साबित हो सके। तो इसको ये कभी मत लीजिएगा कि मैंने टीचिंग करनी है या कोई एज ए टीचिंग टीचर प्रोफेशन यूज़ करना है तभी मेरे लिए जो उपयोगी है। ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं, बेशक ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन ये जनरल सब्जेक्ट भी हैं क्योंकि आपको डेली लाइफ में ये काम आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ में दबाइए और ऑल पे आप टच कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन जब भी मेरी कोई वीडियो आपके सामने पेश हो तो आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचर एज ए टीचर जो है, डिसिप्लिन के साथ टीचर का रोल क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर की। तो जैसे मैं हर वीडियो में यह बताता हूँ कि टीचिंग जो है ये एवरीबॉडीज का प्रोटीव नहीं है, हर एक पर्सन के बस की बात नहीं है। तो जब टीचर डिसिप्लिन को फॉलो करता है या फॉलो को करवाता है तो उसमें बहुत सारी टीचर को बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उन सभी बातों का मैं आज आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं और टीचिंग के लिए और टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए डिसिप्लिन जो फॉलो करता है टीचर, या टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है डिसिप्लिन को ढालने के लिए एजुकेशन एनवायरनमेंट में, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले, या आप सभी जानते हो कि टीचर अगर खुद ही इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, मान लो टीचर खुद अगर इस बात के लिए अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा कि मैंने ये काम करना है, मैं ये काम करके आगे निकलूँगा, डिसिप्लिन को फॉलो करवाऊँगा, एज ए रोल मॉडल अपने आप को पेश नहीं करेगा, तो आप खुद समझिए कि वो एजुकेशन सिस्टम में काम कैसे कर पाएगा। तो उसको खुद पहले रोल मॉडल बनना होगा। तो रोल मॉडल कैसे बनेगा, वो खुद जो भी काम करता है एजुकेशन प्रोसेस में, जो भी अपनी ड्यूटी निभाता है एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मैनेजर, मैनेजमेंट भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, तो उस ड्यूटी को निभाते हुए वो खुद को अपने आप को ऐसे ढाले एक रोल मॉडल में, दूसरों के लिए रोल मॉडल बने और बताए कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक पूरे डिसिप्लिन में। आप डिसिप्लिन के रूल सभी जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, ऊपर मैंने कार्ड भी दे रखा है, तो आप कार्ड को देखिए और उसको वीडियो को जा करके आप देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि जैसे उसको अपने आप को रोल मॉडल बनाना होगा, जो पहला स्टेप है डिसिप्लिन को फॉलो करवाने के लिए टीचर का, जो पहला स्टेप है कि वो अगर दूसरों को डिसिप्लिन में लाना चाहता है, दूसरों को डिसिप्लिन फॉलो करवाना चाहता है, तो खुद वो पहले डिसिप्लिन में आए, खुद डिसिप्लिन से काम करे। दूसरी बात कर लेते हैं कि वो जब भी कोई प्लानिंग करता है, प्लानिंग डिसिप्लिन की करनी होती है, डिसिप्लिन वे में करनी होती है। मान लो वो टीचिंग की प्लानिंग कर रहा है, वो किसी एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ कुछ कोई काम कर रहा है, एजुकेशनल काम कर रहा है, तो उसको करिकुलर एक्टिविटी में भी एक पूरा डिसिप्लिन वे में प्लानिंग होनी चाहिए कि वो मुझे काम कैसे बिल्कुल पिवोटल और पॉइंट पे लेकर के जाना है, कैसे वो गोल अचीव करना है, पूरी प्लानिंग इसको होनी चाहिए। कोई भी काम उसने करना है, पहले उसको रफ एक जो है पेपर वर्क उसको करना चाहिए कि ये प्लानिंग मैं कैसे करूँगा कि ताकि डिसिप्लिन भी फॉलो हो, मेरा गोल भी पूरा हो सके। तीसरी बात कर लेते हैं, रोल ऑफ एनवायरनमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट में सभी लोग आ जाते हैं,
खुद टीचर तो आएंगे ही, उसके जो साथी हैं, साथी टीचर्स हैं वो भी आएंगे, मैनेजमेंट भी आएगा, हमारे उच्च अधिकारी भी आएंगे, हमारा जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी आसपास के लोग हैं वो भी आएंगे, बच्चों के माँ बाप हैं वो भी आएंगे। तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको एक डिसिप्लिन में ढालने का काम एक टीचर कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? जब वो कोई रूल फॉलो करवाता है, कोई नियम फॉलो करवाता है स्कूल के लिए, तो वैसे ही नियम जो हैं वो एनवायरनमेंट में भी उस नियम को वो ढाल करके पूरा करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई काम स्कूल का ऐसा है जो कम्युनिटी के योगदान के बगैर नहीं हो सकता, तो एक डिसिप्लिन वे में उसका पहले वो स्केच तैयार करेगा कि मुझे कैसे ये काम करवाना है। डिसिप्लिन वे का मतलब ये होता है साथियों कि उसको पहले एक रफली अपने दिमाग पे सोच करके करके देखना, उसको पेपर वर्क के डिज़ाइन बना करके देखना कि कैसे होगा, फिर उसको जो रिसोर्सेज हैं वो ढूंढने, साधन ढूंढने कि ये कैसे हो पाएगा, फिर ये देखना कि वो साधन कैसे काम करेंगे, क्या वो फ्रूटफुली काम कर भी पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में देखना। फिर उसके बाद वो गोल पर जब पहुंच जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का योगदान रह गया है या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया, उनको देखना। ये सारा काम जो है एक टीचर का होता है। तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट जो है टीचर के लिए, जब हम डिसिप्लिन को ढाल करके करते हैं तो बहुत पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए टीचर का रोल एज ए डिसिप्लिन वे में एनवायरनमेंट के साथ बहुत गहरा बन जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें जो है निकल करके सामने आती हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे फ़ोन में अक्सर कुछ ना कुछ अपडेट हमारा सिस्टम जो फ़ोन करता रहता है, हम खुद भी अपडेट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको इस एजुकेशन सिस्टम में एज ए टीचर काम करना है तो हमको खुद को अपडेट भी रखना होगा। अपडेट कैसे रखना होगा? हमारे एटीट्यूड में अपडेशन लानी होगी, हमारे काम में अपडेशन लानी होगी, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी तत्व प्रभावित करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, टीचर को, मैनेजमेंट प्रभावित करती है, उन सभी में अपडेट लाना होगा, खुद में अपडेट लाना होगा। आप, मैं जहाँ पर एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, जैसे आप किसी खिलाड़ी को देखते हो, मान लो वो लगातार सेंचुरीज बना रहा है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है कि सेंचुरीज को बरकरार रखना। आप कोई भी खिलाड़ी देख लो, वो अपना खुद का जो एक, मान लो उसने रूल बनाया हुआ था कि मैंने ये सेंचुरी बनानी है या ये काम करना है, इतने गोल करने हैं, तो जब वो उसको बरकरार नहीं रख पाता तो उसमें कुछ ना कुछ ढीलापन आ जाता है, तो सभी काम उसका जो है गड़बड़ा जाता है। तो उसका जो अंदर साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी उसको बार बार ये झिनझोड़ता है कि ये काम उससे नहीं हो रहा। तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है हार्मनस जो है एनवायरनमेंट की हमारे ऊपर हावी ना हो सके। तो एज ए टीचर डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पाँचवें की बात कर लेते हैं। दोस्तों, काम कोई भी है, अगर हम गोल पे फोकस नहीं करते तो वो काम किसी काम का नहीं रहता। कहने का भाव, अगर गोल ही हमारे सामने नहीं है तो हमारे सभी काम जो हम कर रहे हैं सारे बिल्कुल व्यर्थ जाते हैं, बिल्कुल वेस्ट जाते हैं। तो डिसिप्लिन वे में ये बात भी ध्यान रखनी है, जैस बेशक हम डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं, एनवायरनमेंट में उसका असर डाल रहे हैं, तो हमको गोल कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे वो गोल बच्चों का हो, मैनेजमेंट का हो, हमारे उच्च अधिकारियों के साथ कोई हमने गोल फिक्स किया हुआ है, कुछ हमने जो है खुद से गोल फिक्स किया हुआ है अपने अंदर के साथ, अपने आप इंटरनली हमने कुछ सोचा हुआ है, तो अगर वो गोल हमको विसर जाता है, हमारे ध्यान से निकल जाता है, इग्नोर कर देते हैं हम गोल को, तो हम कभी भी जो है डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो डिसिप्लिन का जो एक रूल भी है कि हमको गोल को सामने रखना होता है, तो गोल को कभी नहीं भूलना है। एज ए टीचर हमको गोल याद भी करवाते रहना है दूसरों को, और खुद को भी इसको ध्यान में रखना है अगर डिसिप्लिन को फॉलो करवाना है। तो एज ए टीचर, टीचर क्या काम करे कि अपना गोल कभी भी ना भूले और दूसरों को भी गोल को निरंतर याद करवाता रहे ताकि डिसिप्लिन वे में वो गोल अचीव किया जा सके। छठी और लास्ट बात कर लेते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन मैंने खुद से सोच करके ऐसा कुछ मेन पॉइंट ही निकाले हैं ताकि आपको सीधी सीधी समझ आ सके, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो लास्ट में बात कर रहे थे इंट्रोस्पेक्शन की। दोस्तों, इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? अपने आप की जांच पड़ताल करना। अपने आप की जांच हम कैसे करते हैं? मान लो कोई काम करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि ये काम जो मैंने किया क्या मेरे करने वाला था, मुझे जिस ढंग से किया उस ढंग से करना चाहिए था, या ये काम जो मैंने किया है
उसका जो असर है, उसका जो उसके सॉरी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज मैंने अच्छे से यूज़ किए, उसका असर जो है हुआ है वो पॉजिटिवली हुआ है कि नेगेटिव हुआ है, अगर नेगेटिव हुआ तो क्यों हुआ है, पॉजिटिव हुआ तो कैसे हुआ है। तो ऐसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसका इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिसिप्लिन की बात देखते हैं, डिसिप्लिन के साथ टीचर को इसके साथ जोड़ करके देखते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि हमने जो भी डिसिप्लिन वे में काम किए हैं, डिसिप्लिन वे में चाहे वो मेथड ऑफ टीचिंग है, एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे भी हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, हम सिलेबस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, सिलेबस को जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में एज ए टीचर, तो हमको क्या करना होगा, हमको खुद की इंट्रोस्पेक्शन करते रहना होगा, तभी हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करने का मतलब ये भी होता है कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ में अपने आप को खुद को देख करके ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमको डिसिप्लिन वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ काम है जो टीचर के करने वाले होते हैं डिसिप्लिन वे में। तो टीचर ऐसे रोल प्ले करता है या करना चाहिए उसको सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन प्रोसेस में, ताकि एजुकेशन जो है लर्निंग जो इफेक्टिव बना सके डिसिप्लिन वे में। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने टॉपिक पूरा ध्यान से सुना। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरे भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहूँ, नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।